जो लोग दिल्ली में बैठ करके पिछले एक साल से लगे थे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो कुछ होना नहीं है, लेकिन राजस्थान में हवा बनाए कि बीजेपी हार रही है, हार रही है, हार रही है। साल भर इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, भांति भांति के खेल किए, बड़ा उनको लग रहा था नहीं बस जीत जाएंगे। वो दर्जी ढूंढ रहे थे, दर्जी अच्छे कपड़े सिलाई के लिए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता गया, हर राजस्थानी के दिल की भावनाएं उमड़ पड़ी। कांग्रेस बिखर गई, चुनाव से पहले राजगादी किसको मिले इसके लिए खींचातानी शुरू हो गई। वो इसको गिराए, वो इसको गिराए, वो इसको, और तीसरे तीन तो ऐसे इंतजार में थे, ये दो गिर जाए तो हम तो है ही है। और ये नेता लोग, इनके जरा तर्क देखिए, दिल में पड़ी हुई बात कैसे आती है। ये कांग्रेस के नेता और बहुत बड़े राज दरबारी, नामदार के सेवक श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनको एक अखबार वाले ने पूछा सीएम के विषय में, उन्होंने जो जवाब दिया, ये जवाब उनके भीतर क्या पड़ा हुआ है उसका संकेत देता है कि सोच में ये पले बड़े हैं, इसका वो प्रतिबिंब है। उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कभी आप ये कह सकते हो कि कौन बनेगा करोड़पति? आप मुझे बताइए भाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद करोड़पति बनने के सपने के लिए बैठते हो क्या? यही आपके दिमाग में चलता है क्या? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके इरादों की पहचान बन जाता है।